बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ज़ोहाइड्रो। ज़ोहाइड्रो क्रीम टैबरोज फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये डोल एक्शन है, मीन के 2-in-1 है। अगर इसके ऊपर देखा जाए तो आप देखें, अगर इसके ऊपर तो ये क्लोट्रिमाजोल 1% वेट बाई वेट का इसके अंदर है, और दूसरे नंबर हाइड्रोकोर्टिजोन वो भी 1% वेट बाई वेट के जो पोर्शन है उसके हिसाब से इसमें मौजूद है। अब ये क्लोट्रिमाजोल और हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है? क्लोट्रिमाजोल प्यारे दोस्तों ये एक एंटी फंगल है, और जबकि हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो एक स्टीराइड है। अब जब ये दोनों चीज़ों का जब कम्बिनेशन मिल गया आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो काम एक साथ करेंगे। दो कामों के अंदर नंबर वन क्लोट्रिमाजोल का एंटी फंगल है। किसी भी किस्म का कोई एंटी फंगल अगर आपको रोल लेना है किसी क्रीम से, अगर कोई फंगस का इन्फेक्शन है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन जो स्टीराइड है, स्टीराइड को साथ में मिलाने के लिए फंगल एंटी फंगल के साथ भी मिलाया जाता है, ये एंटी बैक्टीरियल के साथ भी मिलाया जाता है। तो इसको मिलाने का मकसद यही होता है कि जो तो इन जो एंटी बैक्टीरियल जो एंटी फंगल है वो तो अपने काम अपना करेगी ही, साथ में उसको तो भी टाइम लगेगा बैक्टीरिया को या फंगस को किल करने के लिए, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से जो सोजिश हुई हुई है उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए साथ में क्या किया जाता है, स्टीराइड का कम्बिनेशन दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि अभी इन्फेक्शन मौजूद ही होता है लेकिन जो है वो सोजिश चूँकि कंट्रोल कर देता है स्टीराइड, तो इसकी वजह से पेशेंट जो है, जो मरीज़ है, उसको अपनी अलामात में फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। तो ये ज़ोहाइड्रो क्रीम है टैबरोज फार्मास्यूटिकल कंपनी की, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो एंटी फंगल है और एक स्टीराइड शामिल है। और इसके साइड इफ़ेक्ट अगर बात की जाए तो एंटी फंगल है चूँकि, और स्टीराइड स्टीराइड लंबे अरसे के लिए आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत से जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एक ये है कि आपकी स्किन थिन हो जाती है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके ब्लड के अंदर ही शामिल हो जाती है, तो फिर उसके अंदर स्टीराइड्स के अलग से इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन खैर, जितने भी मेडिसन्स हैं जो टॉपिकल आप इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये थी ज़ोहाइड्रो। बाकी इसके लगाने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने इसको सुबह शाम इस्तेमाल करना है, और अगर आप 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की फार्मा प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।